चलो आज एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत एक्रेलिक पेंटिंग बनाते हैं। तो मैंने यहाँ लिया है एक एक्रेलिक पेपर जिस पे मैंने अपना स्केच ड्रॉ किया है पेंसिल से, और अब मैं एक सनसेट सीन पेंट करूँगी, जिसके लिए सबसे पहला कलर जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है येलो। यहाँ पे मैंने मीडियम येलो लिया है, आप लेमन येलो भी ले सकते हैं, लेमन येलो, मीडियम येलो या फिर क्रोम येलो, एनी शेड्स ऑफ येलो विल डू। उसके साथ साथ मैं लेने वाली हूँ ऑरेंज कलर या फिर डीप येलो कलर, और उसके साथ एक रेड कलर। तो इन तीन कलर्स को यूज़ करके हम स्काई को पेंट करने वाले हैं। जो माउंटेन्स वाला एरिया है उसके ऊपर सबसे पहले हम येलो कलर ऐड करेंगे। तो एक फ्लैट ब्रश लीजिए, उसको थोड़ा सा पानी में डिप करें, कलर थिक लेना है यहाँ पर, और फिर उसको ब्रश की हेल्प से आप पेपर पे स्मूथली अप्लाई करेंगे। धीरे धीरे जैसे ही आप कलर करने लग जाएंगे, आपको नेक्स्ट कलर ऑरेंज ऐड करना है और उसको येलो के साथ मिक्स कर देना है, ताकि आपको इन बिटवीन एक लाइट ऑरेंज कलर मिले और एक स्मूथ ट्रांजिशन मिले फ्रॉम येलो टू ऑरेंज कलर। पानी अगेन मैं यही कहूँगी थोड़ा सा कम यूज़ करें, बिकॉज़ ये पेंटिंग हमें वन कोट में कंप्लीट करनी है। अगर आप इसको और ब्राइट करना चाहते हैं तो आप इसमें डबल कोट कर सकते हैं कलर का। तो एक बार जब आप कलर मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद आपको यूज़ करना है रेड कलर। यहाँ पे मैंने पोस्टर रेड लिया है, प्राइमरी रेड कलर। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन यूज़ क्रिम्जन कलर ऑल्सो, दैट विल इक्वली लुक ब्यूटिफुल। सो बचे हुए स्काई में हमने उसी फ्लैट ब्रश के साथ रेड कलर फिल कर दिया है, और फिर थोड़ा सा येलो कलर लेके, सॉरी थोड़ा सा ऑरेंज कलर लेके हम ऑरेंज और रेड को मिक्स करेंगे। तो इन बिटवीन आपको एक डार्क ऑरेंज कलर मिल जाएगा। ऐसा करने से हमें एक स्मूथ ट्रांजिशन मिलता है और पेंटिंग का लुक बहुत सुंदर आता है। इसके बाद आप जाके अपना वाटर चेंज कर सकते हैं या एक दूसरा क्लीन टब ऑफ वाटर लेंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट हम वाटर एरिया को कलर करेंगे, जो रिवर है, जिसमें कि हम ब्लू के शेड्स यूज़ करने वाले हैं। और अगर आप सेम पानी लेते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि येलो और ब्लू मिक्स करके आपको हल्का सा ग्रीन कलर मिल जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। तो अब वाटर वाले एरिया में मैंने सबसे पहले अल्ट्रा मरीन ब्लू लिया है, उसको दो तीन जगह पे मैंने थिक लेयर की तरह अप्लाई किया है। उसके बाद थोड़ा सा लाइट ब्लू या फिर कोबाल्ट ब्लू प्लस वाइट मिक्स करके बाकी बचे हुए पोर्शन को मैं कलर कर रही हूँ। और एक कोटिंग कलर की होने के बाद फिर से हम इन दो कलर्स को मिक्स करेंगे, ताकि अगेन द सेम थिंग, आपका फ्लो जो है कलर का वो इवन रहे। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल तरीका है कलर्स को डायरेक्टली पेपर के ऊपर मिक्स करने का। अगर आप बिगिनर हैं और अपनी पेंटिंग जर्नी आप इसी पेंटिंग के साथ शुरू कर रहे हैं, तो आप बहुत ही इजीली बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। एक बार जब बैकग्राउंड पूरा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद थिक वाइट कलर लेके मैंने ये सन जो है उसको पेंट कर दिया है। इसमें मैं थोड़ा सा लेमन येलो भी मिक्स करूँगी टू क्रिएट अ पेल येलो लुक। बिल्कुल वाइट कलर का सन मैं यहाँ पे नहीं रखूँगी, तो वाइट ऐड कर दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा उसमें येलो कलर मिक्स करके सन का लुक कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद माउंटेन्स और लैंड है हमारे पास, हमें वो ब्राउन कलर से फिल करना है। लेकिन मुझे लगता है कि हमको पहले, जैसे वाइट के साथ हम काम कर रहे हैं, तो उसी ब्रश को यूज़ करते हुए हम पहले स्काई में थोड़े से क्लाउड्स बनाएंगे। अब क्लाउड्स बनाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगेन आप एक ड्राई ब्रश लेना है आपको, जिसमें वाटर ना हो, और ये थिक कलर लेके जहाँ पे भी आपको क्लाउड्स चाहिए वहाँ पे ब्रश को धीरे धीरे डैप करना है और एक क्लाउड जैसा शेप देना है। अब क्लाउड्स हम मोस्टली रेड कलर के एरिया में रखेंगे ऊपर की तरफ, ताकि वो ब्राइटनेस ज़्यादा अच्छे से दिखे। ऑल्सो नीचे वाले एरिया में हमारे पास ट्री आ जाएंगे तो क्लाउड्स कवर हो जाएंगे, तो इसीलिए क्लाउड्स को हमने ऊपर बनाया है। अब सेम पेल येलो कलर, जो वाइट और येलो कलर हमने मिक्स किया था सन के लिए, उसी कलर को एक ज़ीरो नंबर ब्रश की हेल्प से, अगेन ब्रश बिल्कुल ड्राई है, हमने थिक और थिन लाइंस बनाए हैं एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सन ओवर वाटर। अब इसी येलो कलर के साथ बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा वाइट कलर का हाईलाइट ऐड करके हम वाटर के ऊपर शाइन क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा करने से
पेंटिंग में ब्राइटनेस भी आती है और उसका लुक भी बहुत अच्छा हो जाता है। और थोड़ा बहुत बिगिनर लेवल का आपको थोड़ा सा टेक्सचर भी मिलेगा कि हाँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के पेंटिंग को बनाया है। अब माउंटेन्स को प्लेन बर्न सियाना कलर के साथ पेंट करके थोड़ा सा बर्न अम्बर कलर बॉटम बेस लाइन के पास ऐड किया है। उसके बाद बहुत ही सिंपल तरीके से बोर्ड को ब्लैक कलर से फिल किया और कोकोनट ट्रीज़ को ब्लैक कलर से डिटेलिंग देके बनाया है। दो तीन बर्ड्स आप ऐड कर दीजिए और बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत आपकी ये पहली एक्रेलिक पेंटिंग तैयार हो जाएगी। अब इसको आप फ्रेम कराएं या फिर अपनी फाइल अप में फाइल करके एज़ योर फर्स्ट पिक्चर एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।